सबसे पहले दोस्तों लाइव प्रूफ आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, आपको दो दो ओमनी कार्ड देखने को मिल रहे हैं और ये दोनों बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड हमें प्राप्त हो चुके हैं। ओमनी कार्ड के अंदर आप दो नहीं, चार नहीं, छः छः बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हो और आपके घर पर कुछ इसी तरीके से सेंड कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानने वाले हैं कि ओमनी कार्ड के अंदर किस प्रकार से एक अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ओमनी कार्ड के अंदर अगर आप एक माइनर हैं तब भी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, अगर आप एक मेजर हैं तब भी बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ओमनी कार्ड आपको एक वॉलेट बैंक प्रोवाइड कराती है, यहाँ पर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी, वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी और UPI की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब ओमनी कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका मोबाइल नंबर और आपके पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सक्सेसफुल आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद में ओमनी कार्ड का इंस्टेंट ही वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा जिसे आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप यूज़ कर पाओगे। और अगर आप ATM से विड्रॉ करना चाहते हैं तो फिजिकल डेबिट कार्ड को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो में इसका भी हम आपको तरीका बताने वाले हैं। ओमनी कार्ड आपको इतना ही नहीं प्रोवाइड कराते हैं बल्कि यहाँ पर UPI पेमेंट अनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर ATM से विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। ये सारी सर्विसेज आपको ओमनी कार्ड प्रोवाइड कराती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं कि किस प्रकार से ओमनी कार्ड के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आप माइनर हैं तो कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आप एक मेजर हैं तो कैसे अकाउंट ओपन करेंगे और बिल्कुल फ्री में इसका फिजिकल डेबिट कार्ड कैसे ऑर्डर करेंगे। इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को पूरा देखना, अगर आपको जानकारी सही लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप ओमनी कार्ड के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, फिर चाहे मेजर का अकाउंट हो या फिर माइनर का अकाउंट हो, दोनों कंडीशन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ओमनी कार्ड आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। देन दोस्तों इसके बाद में देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर देख सकते हैं आपको गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों अपना एक मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और इसके बाद में सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP दोस्तों आप यहां पर टाइप करेंगे और इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड का प्रीव्यू मिल जाएगा। जब आपका इसके अंदर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर पेटीएम रुपये प्रीपेड कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ब्लैक का आपको कार्ड देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद में सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनली इसके बाद में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन को भी फिल करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट नेम टाइप करेंगे, लास्ट नेम टाइप करेंगे, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी को टाइप करेंगे, अपनी सिटी का नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक रेफरल कोड मिल जाएगा, रेफरल कोड टाइप करेंगे, इस वाले बॉक्स पर चेकआउट करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो जैसा हमने वीडियो के शुरुआत में आपको फिजिकल डेबिट कार्ड हमने आपको दिखा दिया, तो अगर आपके पास फाइनली फिजिकल डेबिट कार्ड है तो इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं एंटर योर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको एक ID सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप इनमें से एक डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पर डन करेंगे। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पर पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पर पैन नंबर को टाइप करेंगे, बॉक्स पर चेकआउट करेंगे, सबमिट करेंगे और अगर आपकी एज 18 वर्ष से नीचे है तो यहाँ पर I am below 18 year इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे इंस्टेंटली दोस्तों आपको यहाँ पर 100 ओमनीज देखने को आपको मिल जाएंगी और आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑर्डर योर फिजिकल ओमनी कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके फिजिकल डेबिट कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हैं और यहीं पर जनरेट UPI ID का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके अपनी UPI ID को क्रिएट कर सकते हैं। देन दोस्तों जैसे आपका यहाँ पर इसके अंदर आपका सक्सेसफुल जो बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा तो इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा कंप्लीट KYC टू यूज अदर फीचर्स का। आप यहाँ पर कंप्लीट KYC के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसके अंदर KYC को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका UPI फीचर एनेबल हो जाएगा, 2 लाख रुपए की लिमिट मिल जाएगी, ATM से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को पैसे भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको वीडियो KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 149 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा, तो यहाँ पर 149 रुपये जैसे पे कर देंगे आपकी KYC इंस्टेंट ही कम्प्लीट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी वीडियो KYC नहीं होती है, मात्र KYC आपकी कंप्लीट होती है। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लाइव दिखा देते हैं अपने अकाउंट ओपन करने का, हमने पूरा आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम अपना पुराना वाला अकाउंट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं,
जहां पर हमारे पास टोटल कॉइन दोस्तों आप देख सकते हैं 123,695 ओमनीज हैं। और जितनी ही ओमनी होंगी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो फिजिकल डेबिट कार्ड आप बिल्कुल फ्री में भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए 5,000 आपको ओमनीज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बार अगर आप ओमनी कार्ड के अंदर बैंक अकाउंट को ओपन कर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4 जितने चाहो उतने फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहीं पर आपको चेंज कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि हमारे केस में यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि टोटल 4 फिजिकल डेबिट कार्ड हमारे पास मौजूद हैं इस समय। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपनी मम्मी के नाम फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, पापा के नाम से, भैया के नाम से, बच्चे के नाम से, बिटिया के नाम से, सबसे यहाँ पर क्या है फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर बैक आ चुके हैं। प्रेजेंट टाइप पर आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे अकाउंट के अंदर 1 रुपया हमें देखने को मिलेगा। और जो भी इसके अंदर आपको ऑफर मिलेंगे, ऑफर के सेक्शन पर क्लिक करेंगे वो सारे आपको यहाँ पर आपको ऑफर देखने को मिलते रहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि हमको ओमनी इतनी कैसे मिली है आपको और हमें कैसे मिलेंगी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको रेफ़र करना होता है। अगर कोई भी बंदा आपके रेफ़र से ओमनी डाउनलोड करता है ओमनी कार्ड को तो यहाँ पर आपको 100 ओमनीस बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। ठीक है, यहीं पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा जितना आप ट्रांजेक्शन करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करा था, 249 रुपये चार्ज देना होता था। अगर 5,000 ओमनीस आपके पास हैं तो 250 रुपये का चार्ज आपको पे करना नहीं पड़ता। ट्रांजेक्शन सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, 3 लाइन के जैसे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं और या तो रेफरल कोड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस समय पर अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं रेफर के थ्रू 1500 या फिर 3000 ओमनीस आपको देखने को मिल रही हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने आपको ओमनी के अंदर अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं, कैसे दोस्तों रेफर एंड अर्न कर सकते हैं और कैसे आप अपने कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, देन यहाँ पर कम से कम आप अपने पूरे परिवार के कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं वो भी हमने आपको लाइव दिखा दिया। अगर आपको कार्ड की डिटेल देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ पर आपका कार्ड नंबर, एक्सपायरी और CVV नंबर शो हो जाएगा। अगर आप अकाउंट के अंदर पैसे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितना भी आपको अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। चूज योर नॉमिनी का भी ऑप्शन मिल जाता है, UPI या फिर UPI ऑटो पे का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसके थ्रू दोस्तों आप पेमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर माइनर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर मेजर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंस्टेंट ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। सो अभी दोस्तों आपने इस वीडियो के अंदर पूरा लाइव प्रोसेस देख लिया कि किस प्रकार से आप ओमनी कार्ड के अंदर अपना एक 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आप एक माइनर हैं तो कैसे अकाउंट ओपन करेंगे, अगर आप एक मेजर हैं तो कैसे अकाउंट को ओपन करेंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसे मिलेगा, UPI ID को एनेबल कैसे करेंगे, साथ ही यहाँ पर बिल्कुल फ्री में फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर कैसे करेंगे। अगर आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया है तो जोर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप इसका फिजिकल डेबिट कार्ड लाइव देखना चाहते हैं कि कैसे बिल्कुल फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं या इसके अंदर कैसे हम KYC को कंप्लीट कर सकते हैं तो उन सभी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।